Welcome to Sahu's Solution. Please subscribe our channel and for more updates, please hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि केक बिना ओवन और बिना एग के कैसे बनाते हैं। मैं कुकर का यूज़ करके केक बनाऊंगी। सबसे पहले 2 कटोरा मैदा ले लें, उसे अच्छे से छान लें। अब 1 कटोरा आइसिंग शुगर लें। आइसिंग शुगर बनाने की विधि का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1 कटोरा दही लीजिए, 1 कटोरा दूध, 1/2 कटोरा रिफाइन ऑयल, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच ड्रिंकिंग पाउडर, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच बटर। सबसे पहले कुकर को प्रीहीट करने के लिए उसमें बेस पे कटोरा रखिए और उसे ढक लीजिए और गैस ऑन करके गर्म होने दीजिए। बड़े बर्तन में दही लीजिए, उसमें आइसिंग शुगर डाल लीजिए, उसके बाद उसमें रिफाइन ऑयल डालिए, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, इसे साइड रख दें। अब दूसरे बर्तन में मैदा ले लें, इसमें बेकिंग पाउडर मिला लें, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, आप इन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं, वेनिला एसेंस, दूध डाल लें और इनको मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को पुराने वाले मिक्सचर में डाल दीजिए। अब इसमें दूध डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। अब बेकिंग ट्रे लीजिए और उसको बटर से ग्रीस कर लीजिए। अब केक मिक्स को बेकिंग ट्रे में डाल लीजिए, इसे टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स ना बने। अब इस बेकिंग ट्रे को प्रीहीट कुकर में डाल दीजिए, इसे बंद कर दीजिए और 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने दीजिए। 20 मिनट बाद आप इसे चेक कर लीजिए स्पून या टूथपिक की मदद से कि ये इसमें लग तो नहीं रहा। अगर लग रहा है तो इसे बेक होने दीजिए थोड़ी देर। अगर ऐसे ही स्मूथ है, नहीं लग रहा है, तो आपका केक बेक हो चुका है। अब केक को नाइफ़ की मदद से साइड में हल्का कर लीजिए और इसे प्लेट में टैप करके निकाल लीजिए। देखिए, चॉकलेट केक तैयार है। आप इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आपको इस केक में फ्रॉस्टिंग भी करना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो में इसी केक को फ्रॉस्टिंग करते हुए देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।